दोस्तों जरा आसमान में चमकती इन लाइट्स को देखिए। वेल, ये वीडियो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे बहुत सारे राज्यों से कल लगातार भेजा था और आप लोग पूछ रहे थे कि आखिर ये स्ट्रेंज सी लाइट्स क्या है। वेल, क्या ये UFO है या फिर कुछ और है जो ये एक ही लाइन में इतने सारे लाइट्स जा रहे हैं। अब दोस्तों इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो बहुत सारे तारे लाइन में लगकर कहीं पर जा रहे हो। 12 सितंबर 2022 की रात को इन मिस्टीरियस लाइट्स ने उत्तर प्रदेश के लोगों को हैरान करके रख दिया। अब किसी ने इन्हें एलियंस का UFO कहा तो किसी ने तारों की स्ट्रेंज फॉर्मेशन बताया और कुछ लोग तो इसे टूटता हुआ तारा यानी कि मीटियोर्स बताने लगे। लेकिन आखिर ये है क्या? वेल, आज के इस वीडियो में हम इनका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए आज जानते हैं यूपी और राजस्थान के आसमान में दिखी इन स्ट्रेंज डॉटेड लाइट्स के बारे में। दोस्तों जब यूपी के आसमान में ये लाइट्स दिखाई थी तो लोग इनके बारे में अलग अलग स्पेक्यूलेशंस लगाने लगे। अब एक बंदे ने तो इसका वीडियो बनाकर ट्विटर पर डाल दिया और नासा, इसरो और एलोन मस्क को इसके बारे में रिसर्च करने को बोल दिया। अब दोस्तों कुछ लोगों ने कहा कि ये एलियंस के UFOs है, पर दोस्तों कुछ जगहों पर इन्हें शाम के समय पर भी देखा गया था और गौर से देखा जाए तो इनकी मूवमेंट स्ट्रेंज नहीं लग रही थी बल्कि ये एक ही पाथ पर चल रहे थे और इसीलिए इन्हें UFOs कंसीडर नहीं किया गया। सेकेंडली, कुछ लोगों ने इन्हें तारों की स्ट्रेंज फॉर्मेशन बताया, पर दोस्तों तारे इस तरह की फॉर्मेशन कभी भी नहीं बना सकते और वो ऐसी फॉर्मेशन बनाने में कामयाब भी हो जाते तो तारों की ब्राइटनेस में कुछ डिफरेंस तो जरूर देखने को मिलता। मतलब तारे यहाँ धरती से हमें टिमटिमाते हुए जरूर देखते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि आखिर ये सच में थे क्या? वेल, अगर मैं रियलिटी में बताऊं तो ये इलोन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट्स के तहत लॉन्च की गई सैटेलाइट्स है। वेल, अब जरा इस वीडियो को देखिए। अमेरिका में 11 सितंबर की रात यानी कि भारत में 12 सितंबर को SpaceX ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपने फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से 34 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। अब ये सैटेलाइट्स आमतौर पर धरती की लो ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करती है और धरती से इनकी हाइट 550 किलोमीटर की होती है। अब इतनी ऊंचाई पर ये आसमान में हमें बहुत डिम दिखाई देती है और इसीलिए हम इन्हें नहीं देख पाते, पर जब इन्हें लॉन्च किया जाता है तो उसके एक या दो दिन तक इन्हें आसमान में देखा जा सकता है। अब जरा earthsky.org में पब्लिश्ड इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर भी हमें सेम टाइप के फोटोग्राफ देखने को मिलते हैं। दरअसल अमेरिका के वॉशिंगटन में रहने वाले इस इंसान ने भी ट्विटर पर कुछ ऐसा ही वीडियो पोस्ट किया है और मिशिगन की एक न्यूज एंकर अमांडा स्क्रिजाइपसिक के ट्विटर अकाउंट पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। अब ये वाली पोस्ट 23 अगस्त की है और तब भी SpaceX ने अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च की थी। अब शायद आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये सैटेलाइट्स एक लाइन में ही ट्रेवल क्यों कर रही है। तो दोस्तों फैल्कन 9 रॉकेट से जब इन्हें धरती की लो ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया जाता है तब तक तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है और कुछ समय के बाद ये सैटेलाइट्स इंडिविजुअली अपने आप को उस ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर लेती है जहां पर इन्हें भेजा गया है। अब करीब 42,000 स्टारलिंक सैटेलाइट्स की मदद से इलोन मस्क पूरी दुनिया में सैटेलाइट इंटरनेट का एक कॉन्स्टिलेशन बनाना चाहते हैं जिससे वो दुनिया के 40 देशों में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवा पाए। यानी कि स्टारलिंक की मदद से हम डायरेक्टली सैटेलाइट से इंटरनेट यूज कर पाएंगे और इसकी रीच हर एक जगह पर होगी। मतलब दूर दराज के गांव में भी इसकी स्पीड कम नहीं होने वाली है। एंड यस, आने वाले दिनों में ये इंडिया में भी अवेलेबल होने वाला है। अब दोस्तों इलोन मस्क 42,000 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च नहीं कर रहे हैं बल्कि वो हर हफ्ते 30 से 50 सैटेलाइट्स को लॉन्च करते रहते हैं। और रात के आसमान में जब हम इन स्टारलिंक सैटेलाइट्स को ही देखते हैं तो ये हमें स्टार से बनी किसी ट्रेन की तरह लगती है, पर इमेजिन करो कि दिन में ये कैसी लगती होगी। अब भाई अंतरिक्ष टीवी पर आए हो तो इमेजिन करने की क्या ही जरूरत है, चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। वेल, ये ऐसा लग रहा है मानो आसमान में बर्ड्स का कोई ग्रुप उड़ रहा हो। अब आपको बता दूं कि इसमें से हर एक सैटेलाइट का वजन 227 से 295 किलोग्राम के बीच होता है। वैसे दोस्तों हमारे देश भारत में भी इन सैटेलाइट्स को पहली बार नहीं देखा गया है। अब india.com पर पब्लिश्ड इस आर्टिकल में बताया गया है कि दिसंबर 2021 में नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स के ऊपर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखा गया था। 3 दिसंबर 2021 को शाम के करीब 7 बजे पंजाब के पठानकोट और जम्मू के लोगों ने आसमान में स्टार्स की कतार देखी थी।
अब उस समय भी लोगों ने इसे एलियंस और यूएफओस के साथ जोड़ा था, पर बाद में जाकर ये क्लियर हुआ था कि ये सैटेलाइट्स हो सकती है। और उसी दिन ANI ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर करते हुए बताया था कि दरअसल ये SpaceX की स्टारलिंक सैटेलाइट्स थी। अब दोस्तों, जब बात चल रही है आसमान में दिख रहे अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स की, तो जरा इस पर भी नजर डालिए। दोस्तों, 2 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों के आसमान में हमें एक अनआइडेंटिफाइड बर्निंग ऑब्जेक्ट देखने को मिला था, जो कि सीधे नीचे की ओर गिर रहा था। अब पहले तो ऐसा लगा कि ये आसमान से गिरते मीटियोर्स हो सकते हैं, पर फिर 3 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र के चंद्रपुरा डिस्ट्रिक्ट की सिंदेवाही तहसील के 2 गाँवों से कुछ ऑब्जेक्ट्स रिकवर किए गए थे। अब एक जगह से एक 3 मीटर डायमीटर वाली रिंग मिली जो बेहद ही गर्म थी, तो और एक जगह से एक 1.5 फीट डायमीटर का एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मिला। बाद में सिंदेवाही के विलेजेस में 5 और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स मिले थे। अब ये दोनों ही ऑब्जेक्ट मेटल के बने हुए थे, यानी कि ये आर्टिफिशियल थे। तो आखिर ये आए तो आए कहां से? वेल, यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये खबर फैल गई कि चाइना ने भारत की ओर कोई मिसाइल फेंकी थी, जिसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने आसमान में ही बर्बाद कर दिया, और ये टुकड़े चाइना की उस मिसाइल के ही है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल इसके कुछ दिनों पहले चाइना ने स्पेस में एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, और जिस दिन ये टुकड़े आसमान में देखे गए, उस दिन चाइना के सैटेलाइट लॉन्च का रॉकेट बूस्टर वापस धरती पर गिरने वाला था। अब इसरो के एक ऑफिशियल ने बताया कि ये उसी रॉकेट बूस्टर का डिब्री हो सकता है। 13 मई 2022 को हमें गुजरात में भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट देखने को मिला था। दरअसल इस दिन गुजरात में कुछ जगहों पर आसमान से मेटल बॉल्स गिरने की खबर आई थी। आनंद डिस्ट्रिक्ट की 3 जगह भालेज, खम्भोलाज और रामपुरा से 1.5 मीटर डायमीटर वाले हॉलो स्फीयर्स रिकवर किए गए, जिनका वजन करीब 5 किलोग्राम का था। जब ये मेटल बॉल्स आसमान से गिरकर धरती से टकराई थी, तो बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस हुआ था। लोकल लोगों को लगा कि शायद कोई अर्थक्वेक आया है, और इसीलिए बहुत से लोग तो जल्दी से अपने घर से बाहर निकल आए। अब जब फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, तो उन्होंने इस ऑब्जेक्ट की जांच करके ये कंफर्म किया कि ये और कुछ नहीं बल्कि स्पेस डिब्री ही है। 17 मई 2022 को NDTV की वेबसाइट पर पब्लिश्ड इस आर्टिकल के अनुसार, गुजरात में गिरी इन मेटल बॉल्स का कारण चाइना के रॉकेट का डिब्री था। चाइना का चैंगजैंग-3B रॉकेट पृथ्वी की ऑर्बिट में कम्युनिकेशन सैटेलाइट को एस्टैब्लिश करने के बाद इसी दिन धरती के एटमॉस्फेयर में री एंटर हुआ था। अमेरिका के एस्ट्रोनॉमर जोनाथन मैकडोवल ने भी ट्वीट करके इन स्ट्रेंज मेटल बॉल्स का कारण चाइनीज रॉकेट के डिब्रीज को ही बताया था। इसरो के रिटायर्ड साइंटिस्ट BS भाटिया ने बताया कि ये रॉकेट के फ्यूल टैंक के हिस्से हो सकते हैं, जिसमें हाइड्राजीन नाम का एक लिक्विड फ्यूल स्टोर किया जाता है। Now, fortunately, इन सभी इंसिडेंट्स में किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। पर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर किसी देश की सैटेलाइट या रॉकेट डिस्ट्रॉय होकर दूसरे देश में गिर जाता है, और इससे वहां के लोगों को लाइफ या प्रॉपर्टी का लॉस होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? Well, ऐसी कंडीशन में जिस देश की सैटेलाइट या रॉकेट ने वो नुकसान किया होगा, उसे विक्टिम्स को भारी जुर्माना चुकाना पड़ता है। हालांकि इससे पहले विक्टिम कंट्री, जो अभी बताए गए केसेस में भारत ही था, उसे ये प्रूफ करना होगा कि वो स्पेस डिब्री चाइनीज रॉकेट का ही था। अब यार, दुनिया के अलग अलग देश जिस स्पीड से धरती की ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट्स को भेज रही है, उसे देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में हमें ऐसी और भी घटनाएं देखने को मिलते रहने वाली है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या वैज्ञानिकों को जल्द से जल्द स्पेस डिब्रीज को खत्म करने का कोई सॉल्यूशन खोजना चाहिए? और ये स्पेस डिब्रीज हमारे फ्यूचर में कितना नुकसान पहुंचा सकता है? वेल, अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि कल से यार आप लोगों ने बहुत सारे मेल्स और DMs में मुझे इस वीडियो के बारे में पूछा था, इसलिए मैंने आज के इस वीडियो को बनाया ताकि आपके अंदर का कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारा वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।